नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पिथौरागढ़ पहुंचने वाले हैं पीएम। पीएम के दौरे को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 4,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। गुंजरी गांव में लोगों से संवाद करेंगे पीएम। पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम में दर्शन भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जन जन के कल्याण और राज्य के तेजी से होने वाले विकास के लिए पिथौरागढ़ में कई परियोजनाओं और लोकार्पण को लेकर शिलान्यास का कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने यहां के गुंजी गांव में लोगों से संवाद भी करने की ठानी है। साथ ही पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम में दर्शन पूजन भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज होगा। 4,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। गुंजी गांव में लोगों से संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम भी जाएंगे और आदि कैलाश पर्वत के दर्शन भी करेंगे। चलिए ग्राम जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी ग्राम जीरो से संवाददाता सहयोगी लाइव जुड़े हमारे साथ में। अनुज, क्या कुछ अपडेट है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, तैयारियां कैसी हो गई हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है और अगर बात करें इस समय 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पिथौरागढ़ पहुंचेंगे MiG-17 हेलीकॉप्टर से। वहां पे जो है 3 किलोमीटर का जो पैदल ट्रैक है वहां से आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। उसके बाद पार्वती कुंड में पूजा अर्चना करेंगे। ठीक उसी थोड़ा सा समय अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे बिताएंगे और आदि कैलाश को पूरी तरीके से देखेंगे। वहां से कैलाश पर्वत का जो हिस्सा है वो भारत से जो दिखने लगा जिसको आज कैलाश कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वहां पे बिताएंगे। पार्वती कुंड में पूजा अर्चना करेंगे। मानसरोवर झील में थोड़ी देर कुछ वक्त बिताएंगे। इसके बाद की अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिनट टू मिनट का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से गुंजी गांव आएंगे और गुंजी गांव में कुछ देर के लिए वो वहां। अनुज देखिए, प्रधानमंत्री के गुंजी गांव में जनसभा को संबोधित करने के अपने आप में क्या मायने हैं और साथ में आदि कैलाश पर्वत के दर्शन भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। एक ऐसा स्पॉट उत्तराखंड में तलाशा गया है जहाँ से आदि कैलाश के दर्शन किए जा सकते हैं, उसके लिए चीन नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, सवाल बड़ा अच्छा है क्योंकि उत्तराखंड से लगा हुआ सीमा है और अगर बात करें कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा वो उत्तराखंड से ही होते हुए जाती है। बिल्कुल, लेकिन अब इस बार जौली कान जो जगह बनाई गई है वहां से जो सड़क का निर्माण हुआ है, अब भारत में जो टूरिज्म है वो उत्तराखंड हब बहुत तेजी से बनेगा क्योंकि जौली कान से अब आदि कैलाश पर्वत के सीधे दर्शन होंगे और टूरिस्ट लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अब जो उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ेगा वो इस बात को लेकर बढ़ेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो वहां पे पहुंचेंगे और आदि कैलाश के दर्शन करेंगे तो अब टूरिस्ट भी आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड आएगा, इससे उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ेगा। तीन सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को दे सकते हैं। इसके अलावा गुंजी गांव की अगर बात करें तो वहां से करीब 4,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अगर बात करें स्वास्थ्य की, अगर बात करें शिक्षा की, अगर बात करें आपदा प्रबंधन केंद्र की, अगर बात करें IT डिपार्टमेंट की, अगर बात करें तो ये जो तमाम परियोजनाएं हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड को सौगात देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बात करें उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे गुंजी गांव में। वहां से वो हेलीकॉप्टर से जागेश्वर धाम पहुंचेंगे अल्मोड़ा के, जहां पे वो पूजा अर्चना करेंगे। जागेश्वर धाम में कुछ समय वहां पे बिताएंगे। महामृत्युंजय मंदिर है
वहां पे वो पूजा अर्चना करेंगे, मंदिर की परिक्रमा करेंगे और उसके बाद का उनका कार्यक्रम दिल्ली वापस आने का है। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में 4200 करोड़ रुपए की जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं वो अपने आप में एक अहम बात है। और साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ावा किस तरीके से मिले, क्योंकि अब जौली कांग के पास तक रोड का निर्माण हो चुका है और टूरिस्ट अब सीधे आदि कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकता है। जौली कांग की अगर बात करें तो वहां से 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, वहां से आप मानसरोवर झील की अगर बात करें, आदि कैलाश पर्वत की अगर बात करें और पार्वती कुंड की अगर बात करें, ये तीनों चीज बिल्कुल बेहद आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं उत्तराखंड के ये तीनों ही स्पॉट जहां पर प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद आदि कैलाश संपूर्ण विश्व के लिए उत्तराखंड की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र रहेगा। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।